हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेस एंड टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के मटेरियल रेगुलर मिलते रहें। तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि द यूजेज ऑफ रॉट आयरन इज, तो यानी कि जो रॉट आयरन होता है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, या किस चीज़ को बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए रॉट आयरन का यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रेन हुक्स, प्लग या चीजल। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो आपका रॉट आयरन होता है, आप रॉट आयरन का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करते हैं। तो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीन ऑप्शंस में आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है कि रॉट आयरन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रॉट आयरन की, तो रॉट आयरन का करेक्ट आंसर होगा क्रेन हुक्स बनाने के लिए, यानी आप रॉट आयरन का यूज़ क्रेन हुक्स बनाने के लिए करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेन हुक्स, है ना। यानी आपको ये क्लियर हो गया है कि क्रेन हुक्स जो हैं रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस, यानी जो वर्क सरफेस पर पैटर्न बनता है, केज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल, यानी कटिंग टूल के मूवमेंट के कारण इज कॉल्ड, यानी आपको बोला गया है कि वर्क सरफेस पर कटिंग टूल के मूवमेंट के कारण जो पैटर्न बनता है उसे आप क्या कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आपको, क्वेश्चंस पूछा गया है कि द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस केज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड, यानी जो पैटर्न बनता है वर्क सरफेस पर कटिंग टूल के मूवमेंट के कारण उसे आप क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शंस दिया गया है, वेविनेश, है ना, ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है आपको, वेविनेस, रफनेस या फिर सरफेस टेक्चर। तो क्या कहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी वर्क सरफेस पर कटिंग टूल के मूवमेंट के कारण जो बनता है, क्या बनता है, कटिंग टूल के मूवमेंट के कारण जो पैटर्न बनता है उसको आप सरफेस टेक्सचर कहते हैं। यानी आपका जो क्लियर, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस टेक्सचर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि विच मेटल इज यूज्ड टू मेक फेस प्लेट, यानी निम्न में से कौन सा मटेरियल फेस प्लेट बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बताना है आपको कि फेस प्लेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल यूज़ में लाया जाता है। चलिए देख लेते हैं, आपका ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, रॉट आयरन, टूल स्टील और अगला ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन, है ना। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, कास्ट आयरन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि फेस प्लेट बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फेस प्लेट अगर आपको बनाना है तो आप कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर कास्ट आयरन हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर यहां पर कास्ट आयरन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम आपका देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द बॉडी ऑफ एरोप्लेन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज टू इट्स, यानी जो एरोप्लेन की बॉडी होती है वो बनाई जाती है एल्यूमिनियम की, तो उसका क्या कारण है। आपको क्वेश्चंस में पूछ लिया गया है कि एल्यूमिनियम की जो, एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, बताइए किस कारण से यह एल्यूमिनियम की ही बनाई जाती है, ऐसा रीज़न आपको पूछा गया है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि पॉइंट के कारण, या वेट के कारण, या फिर अगला ऑप्शंस आपको दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट के कारण। तो आपको बताना है कि जो एल्यूमिनियम की ही एरोप्लेन की बॉडी क्यों बनाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा वेट के कारण, यानी एल्यूमिनियम अन्य धातुओं की तुलना में कम वजनदार होता है, इसलिए एरोप्लेन की बॉडी एल्यूमिनियम धातु की बनाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर वेट के कारण जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन इज, यानी रॉट आयरन की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पूछा गया है कि रॉट आयरन जो धातु होती है
उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, रॉय टायरन की प्रकृति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस या फिर मैलेबिलिटी। तो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो है मैलेबिलिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस मेटल की आपको यहाँ पर प्रकृति के बारे में पूछा गया है, रॉट आयरन की प्रकृति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो मेलेबिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रॉट आयरन जो होती है मेलेबल धातु होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कन्वर्टिंग ऑफ मेटल इंटू सीड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, आपको क्वेश्चंस में क्या पूछ लिया गया है कि कन्वर्टिंग ऑफ मेटल इंटू सीड, यानी मेटल को कन्वर्ट करके जब सीट बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, यानी आप मेटल को कन्वर्ट करते हैं सीट में तो उस प्रॉपर्टी को क्या बुलाते हैं या क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी और अगला ऑप्शन है मैलेबिलिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूँ कि आप किसी सीट को बनाते हैं, किसी मेटल से सीट को बनाते हैं, तो वह जो गुण होता है, धातु का गुण होता है, अगाध वर्धनीयता कहलाती है और अगाध वर्धनीयता को ही मेलेबिलिटी कहते हैं। यानी मेलेबिलिटी के यानी अगाध वर्धनीयता के गुण के कारण ही धातु से सीट को बनाया जाता है, यानी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर मेलेबिलिटी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि द लीड टेपर ऑफ फर्स्ट टेप इज, यानी आपके जो टेप के प्रकार होते हैं, फर्स्ट टेप, सेकंड टेप और थर्ड टेप, यहाँ पर आपको फर्स्ट टेप के बारे में पूछ लिया गया है कि जो फर्स्ट टेप होता है उसकी टेपर लीड कितने डिग्री पर टेपर होती है या कितनी लीड जो है टेपर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 डिग्री 15 डिग्री 4 डिग्री 15 डिग्री और 9 डिग्री। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट टेपर टेप होता है उसकी टेपर लीड कितने डिग्री एंगल पर टेपर होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री पर जो है टेपर होती है टेपर लीड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि द अदर नेम ऑफ द फिलर गेज इज नोन एज, यानी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि फिलर गेज का अन्य नाम क्या है या फिलर गेज के अन्य नाम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर थिकनेस गेज, प्रोफाइल गेज और क्लियरेंस गेज ऑप्शन में दिया गया है। तो फिलर गेज को थिकनेस गेज भी कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिकनेस गेज। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कास्ट आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय यूजिंग बाय, यानी कास्ट आयरन जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो कास्ट आयरन की, वो किसके द्वारा होता है। तो कास्ट आयरन जो होता है कपोला फर्नेस में बनाया जाता है, यानी कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर होता है कपोला फर्नेस में, जो कि एक प्रकार की भट्टी है और ये क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मेट्रिक सिस्टम, यानी मेट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस में 0.04 mm, 0.02 mm और 0.5 mm दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0. कितना होता है, वर्नियर कैलिपर की बात चल रही है यहां, तो 0.02 mm इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि द सरफेस स्पीड ऑफ वेट्रीफाइड बॉन्ड व्हील इज, जो सरफेस स्पीड होती है वेट्रीफाइड बॉन्ड वाले व्हील की, तो आपको सरफेस स्पीड के बारे में बताना है कि कितनी सरफेस स्पीड होती है। तो आपको ऑप्शंस में दिया गया है 2200 rpm, 1890 rpm और 1990 rpm।
तो यहाँ पर आपको विट्रीफाइड जो है बॉन्ड वाले व्हील की आरपीएम को बताना है। तो यहाँ पर 1990 होता है, यानी 1990 आरपीएम इसकी स्पीड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिच बोल्ट्स इज विदाउट हेड, है ना। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बिच बोल्ट्स इज विदाउट हेड। रैक बोल्ट, यानी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बोल्ट होता है जो बिना सिर के होता है या बिना हेड के होता है, रैक बोल्ट, आई बोल्ट या हेडलेस बोल्ट। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेडलेस बोल्ट जो होते हैं बिना हेड के बनाए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर हेडलेस बोल्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूस, यानी आप ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनाते हैं, है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस भट्टी में आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शंस दिया गया है आपको यहाँ पर, स्टील मेल्टिंग आयरन या फिर पिग आयरन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिग आयरन, जो है आप ब्लास्ट फर्नेस में बनाते हैं, यानी कच्चा लोहा ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विच फास्टनर हैज़ थ्रेडिंग ऑन बोथ साइड, यानी निम्न में से कौन सा फास्टनर है जिसके दोनों ओर थ्रेडिंग होती है। तो बताइए, बोल्ट आपको ऑप्शंस दिया गया है, बोल्ट, स्टड और स्क्रू। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टड होता है एक ऐसा फास्टनर होता है जिसके दोनों साइड में थ्रेडेड वाला हिस्सा होता है, यानी दोनों ओर थ्रेडेड होती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर स्टड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इन ड्रिल इज इंक्रीज्ड, यानी व्हाट विल बी द रिजल्ट, यानी रिजल्ट क्या रहने वाला है जब क्लियरेंस एंगल इन ड्रिल इज इंक्रीज्ड, यानी जब ड्रिल का क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जब आप किसी भी ड्रिल का क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आपको बोला गया है कि पुअर वेजिंग एक्शन, यानी कमज़ोर वेजिंग एक्शन होगा, या वीक कटिंग एज हो जाएगी, या फिर रफ होल सरफेस बनेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीक कटिंग एजेस बनेंगे, यानी आपका यहाँ पर वीक कटिंग एजेस वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि व्हाट इज कलर ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर, यानी एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर के रंग के जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर ब्लैक दिया गया है, रेड दिया गया है और येलो दिया गया है। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग रेड होता है, यहाँ पर ऑप्शन में रेड आपको करेक्ट कर देना है, या आपको मरून अगर ऑप्शन देता है कि मरून कलर का रंग, तो आपको मरून भी लगा देना है, यानी या तो रेड दिया रहेगा या मरून दिया रहेगा, दो में से कोई एक रहेगा। यहाँ पर आपको रेड दिया गया है, यानी आपको रेड करेक्ट आंसर लगा देना है कि एसिटिलीन सिलेंडर का रंग रेड होता है। अगर यहीं पर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो उसका रंग ब्लैक होता है, जो कि आपको पिछले ऑप्शन में मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रिमूवल ऑफ ब्रोकन टेप बाय द हेल्प ऑफ, यानी जो टूटे हुए टेप को किसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं, जो अगर कोई टेप है और वो टूट जाता है तो किसकी सहायता से आप उसे निकाल सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हैमर, स्टड एक्सट्रैक्टर या चीजल। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर स्टड एक्सट्रैक्टर हो जाएगा, कि टूटे हुए टेप को निकालने के लिए आप स्टड एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच टेपर इज यूज ऑन स्पेंडल नॉज ऑफ द लेथ हेड स्टॉक, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा टेपर लेथ के हेड स्टॉक स्पिंडल में कटा होता है। लेथ के हेड स्टॉक स्पिंडल में कौन सा टेपर कटा होता है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस आपके हैं, मोर्स टेपर, पिन टेपर या फिर जर्नो टेपर। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेथ के स्पिंडल हेड में हेड स्टॉक में मोर स्टेपर कटा होता है, यानी आपका मोर स्टेपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल दिया गया है कि विच टेपर इज यूज्ड ऑन स्पिंडल, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है, मोर स्टेपर इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बोल्ट्स इज मोस्टली यूज्ड, यानी निम्न में से किस प्रकार के बोल्ट का यूज अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, या निम्न में से किस प्रकार के बोल्ट अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपको बताना है,
हुक बोल्ट आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, हेक्सागोनल बोल्ट और आई बोल्ट। हुक बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट या आई बोल्ट, तो बताइए आप इस जो ऑप्शन है इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सामान्यतः किस प्रकार के बोल्ट का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपका इसको जो आंसर है अगले वीडियोस में जो पार्ट टू होगा उसमें बताएंगे। और अगर आप इसी प्रकार के फिटर टर्नर और मशीनिस्ट या किसी भी अन्य मैकेनिकल ट्रेड के वीडियोस स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर भी आप हमारे वीडियोस को बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के टॉप राइट पर जाकर आई बटन पर क्लिक करके भी हमारे वीडियोस को बात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ सेंटर ड्रिल, यानी सेंटर ड्रिल का सेकंड नाम क्या है। आपको पूछा गया है कि सेंटर ड्रिल का सेकंड नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सेकंड नाम क्या है। फेसिंग टूल है, टूल हेड है या कंटिन्यूस ड्रिल बिट है। तो आपको यहाँ पर सेंटर ड्रिल का जो है सेकेंड नाम बताना है जो कि कंटिन्यूशन ड्रिल बिट है। तो सेंटर ड्रिल का जो दूसरा नाम है वो है कंटिन्यूशन ड्रिल बिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि रेडियस गेजेस आर यूज्ड टू चेक द साइज ऑफ, यानी रेडियस गेज का इस्तेमाल क्या चेक करने के लिए किया जाता है। लेंथ इनसाइड डाया, आउटसाइड डाया, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। यानी आपका रेडियस गेज का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कर्व्स चेक करने के लिए किया जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल जो कर्व्स होते हैं, रेडियस होते हैं, उनको चेक करने के लिए आप रेडियस गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव, यानी आपको पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल एब्रेसिव है यानी कृत्रिम अपघर्षक है। तो कृत्रिम अपघर्षक के बारे में आपको बताना है। आपको ऑप्शंस यहाँ दिया गया है, सिलिकॉन कार्बाइड, कोरंडम और अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर बताएंगे डायमंड। तो जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव बोला गया है ये होता है सिलिकॉन कार्बाइड, यानी आर्टिफिशियल एब्रेसिव सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बैलेंसिंग ऑफ व्हील प्रोड्यूस द, तो जो व्हील की बैलेंसिंग होने से क्या प्रोड्यूस होता है, मोर स्पार्क, लाइट सैंड या गुड फिनिश। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर गुड फिनिश हो जाएगा, है ना, कि जब आप व्हील की बैलेंसिंग करते हैं तो गुड फिनिश प्रोड्यूस होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे जो कि बहुत ही अधिक बार आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप फिटर टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और इसके अलावा अन्य मैकेनिकल ट्रेड से संबंधित या रिलेटेड हैं तो आप हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अलावा शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।